पश्चिम बंगाल के साथ साथ त्रिपुरा में भी बाढ़ की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही। यहाँ पे भी कई ऐसे परिवार हैं जो कि बाढ़ से पीड़ित बताए जा रहे हैं। और इसी बीच अब एक नई पहल इन बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए शुरू की गई है। दरअसल यहाँ पर आपातकाल रोशनी उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बाढ़ की स्थिति के बीच में इस आपातकालीन रोशनी का क्या काम, तो जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम त्रिपुरा जिला प्रशासन के सहयोग से सिग्नल फ्लाई बाढ़ प्रभावित परिवारों को आपातकालीन रोशनी प्रदान करेगा। पश्चिमी त्रिपुरा में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित परिवारों को आपातकालीन LED लाइटें सौंपने के लिए सिग्नल फ्लाई ने जिला प्रशासन के साथ हाथ मिलाया है। यह पहल सिग्नल फ्लाई के हर घर रोशन CSR प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में की गई है। सिग्नल फ्लाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे परिवार बिना बिजली के भी सुरक्षित और रोशनी वाली जगह पर रह सके, ताकि वे जल्दी से स्वस्थ और सामान्य जीवन में लौट सके। इस दुर्गा पूजा न्यूज UNI लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना एड, वो भी बिल्कुल फ्री। JioTV, PlayOn, eBaba, YouTube, Facebook, अब आप चला सकते हैं एड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, एड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर, या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर, और पाए ये बड़ा ऑफर।